जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स रेसिपी। आइए आज आप और हम मिलकर कोदो मिलेट से ढोकले बनाते हैं। कोदो मिलेट से बनने वाले ढोकले बेहद पौष्टिक तो होते ही हैं, साथ ही बहुत टेस्टी भी बनते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। ढोकले बनाने के लिए हमें सबसे पहले किन चीजों की जरूरत है हम ये देखते हैं। एक बोल में हम 2 कप कोदो ले लेंगे और कोदो में हम पानी डालकर उसे अच्छी तरीके से 3-4 बार वॉश कर लेंगे। मिलेट यूज करने समय हमें सबसे ज्यादा जो बात ध्यान में रखनी चाहिए फ्रेंड्स, वो है किसी भी मिलेट को हमें 8 से 10 घंटे भिगो कर रखना है और उसके बाद ही हमें उसे यूज करना है। ये हमारा कोदो अच्छी तरीके से वॉश हो चुका है, अब हम इसमें पानी डालकर इसे एक तरफ रख देंगे। एक बोल में हम 1 कप धुली हुई मूंग की दाल लेंगे और उसे भी पानी डालकर अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। मूंग की दाल हमारी जल्दी सोक हो जाएगी तो 2 घंटे बाद हम उसे उठाकर फ्रिज में रख देंगे और कोदो को हम 8 से 10 घंटे भीगने देंगे। अब हमारा कोदो बहुत अच्छी तरीके से भीग चुका है और मूंग की दाल भी हमारी अच्छी तरीके से सोख हो चुकी है। तो चलिए हम बैटर तैयार करते हैं ढोकले का। एक मिक्सर का पॉट लेंगे और उसमें हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे बारीक चॉप करके। 6-7 कली हम लहसुन की डालेंगे। 3-4 हम हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अब हम उसमें पानी निकला हुआ कोदो ऐड कर लेंगे। और इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। हमारा कोदो अच्छी तरीके से पिस चुका है, इसे हम अपने एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसी पॉट में मूंग की दाल पीसने के लिए डालेंगे और इसी में हम 1 कप खट्टा दही डालेंगे ताकि हमारे ढोकलों में अच्छा सा खट्टा टेस्ट आए। अब हम मूंग की दाल भी ग्राइंड कर लेंगे। मूंग की दाल भी अच्छी तरीके से पिस चुकी है, अब हम इसे कोदो के साथ में मिला लेंगे। दोनों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है वो इक्वल हो। और हमारा मिक्सर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें एक क्लिंग फिल्म से इसको रैप करके अपने घर के किसी भी वार्म प्लेस पे 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। और इस बीच हम चटनी बना लेते हैं ढोकले के लिए। हमने थोड़ी चने की दाल डाली है, जीरा, कुछ हरी मिर्च के टुकड़े डालेंगे हम, हरा धनिया और थोड़ा नारियल। इसमें हम छोटा सा अदरक का टुकड़ा डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डाल लेंगे। अब थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2-4 चम्मच और अब हम इसे पीस लेंगे अच्छे से। ये हमारी चटनी नारियल की चटनी बनकर तैयार है। और इस बीच हमारा ढोकले का बैटर भी रेडी हो चुका है। तो चलिए हम ढोकले बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए अच्छी सी फर्मेंटेशन हो गई है हमारे बैटर में। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है और 1 इनो का नीला वाला सचे हम इसमें डाल लेंगे। बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए।
अब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे, एक चम्मच हम इसमें गुड़ का पाउडर डाल रहे हैं, आप शक्कर भी डाल सकते हैं, और एक चम्मच भर के हम इसमें तेल डाल रहे हैं, और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ढोकले की प्लेट हम ग्रीस करके रख चुके हैं, इसमें हम अपना आधा बैटर पोर कर देंगे और इक्वली इसको फैला लेंगे। अब आधा बैटर हम दूसरी प्लेट में डाल देंगे और उसे भी हम इक्वली फैला लेंगे। अब हमारा पानी भी बॉईल हो चुका है और इसमें हम केयरफुली अपने ढोकले की प्लेट को स्टीम होने के लिए रख देंगे। ढोकले स्टीम होने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है, तो अब हम इसे स्टीम होने देते हैं। लगभग 12 मिनट हो चुके हैं। एक नाइफ की सहायता से मैंने ये देख लिया है कि मेरे ढोकले स्टीम हो चुके हैं, नाइफ बिल्कुल क्लियर है, तो ये हम फ्लेम बंद करके ढोकले निकाल लेते हैं। चलिए, जब तक हमारे ढोकले थोड़े ठंडे हो रहे हैं, हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेंगे। उसी कढ़ाई में हम थोड़ा ऑयल डालेंगे, 1 से 2 चम्मच, और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें राई के दाने डालेंगे, 1 चम्मच। और जब हमारी राई अच्छी तरीके से हो जाए तब हम उसमें 2-3 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, थोड़ा कड़ी पत्ता डालेंगे, और इसे थोड़ा केयरफुली करिए। अब हम उसमें नारियल का मोटा कीस थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। एक अच्छा सा स्टर देंगे। और थोड़ा सा नमक हम ऐड करेंगे। 1 चम्मच हमने गुड़ का पाउडर डाला है और आधा नींबू का रस। और अब हम इसमें छोटी सी एक कटोरी हम पानी ऐड करेंगे। हमारे ढोकले भी ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनको कट कर लेंगे। आप अपने मन के हिसाब से जैसा आपको चाहें इन्हें स्क्वायर या डायमंड शेप में कट कर लें। बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं। इस तरीके से हम नई नई रेसिपीज बनाकर मिलेट को अपने डेली फूड में धीरे धीरे से ऐड कर सकते हैं, और हमारे घर के सभी लोग बहुत शौक से इसे खाएंगे। ये देखिए हमारे ढोकले कितनी अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई में डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम थोड़ा हरा धनिया और डालेंगे, और ये हमारे टेस्टी, बहुत ही न्यूट्रिशियस कोदो के ढोकले बनकर रेडी हैं। आप भी बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।